कैसे हो? अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो बाय गाइस, सी यू सून। हंसते हैं थोड़ा और, इधर ही आ जा। हल्का सा ऐसे सर्कल में। भाई हसनैन भाई भी आ गए और फैज भाई भी आ गए, बस सद्दू भाई नहीं आए। हसनैन भाई बहुत कम आते हैं, दूर रहते हो ना इसीलिए। हसनैन भाई सोते थोड़ा ज्यादा। हाँ अभी ठीक है। आज भाई चश्मा नहीं लगा भाई, रात में नहीं मस्ती कर रहा हूँ भी नहीं करना। भाई क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की विशेष देना चाहोगे आज भाई का बर्थडे? भाई देखो इतनी सारी विशेष लोगों ने, भाई हाँ सबसे पहले तो शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है, उससे भी एक साल बड़ा है और अल्लाह का एहसान है। देखो आज हम लोग कहाँ है और इंशाल्लाह अल्लाह और आगे लेके जाएगा, और मेरे भाई को भी जो कि बहुत आगे है। और हैप्पी बर्थडे ब्रो, कहाँ शादी करने वाले हो? अरे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कभी आप लोगों को मिलने वाली है, जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद इसकी बात ऐसा कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। मतदान के बाद फैसल तो बहुत छुपाया है, बहुत छुपाया है, एक साथ छह सात शादी कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मत। क्या बोलना चाहेंगे आप? तो भाई अभी तो मुझे टाइम है और बहुत काम करना बचा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने के बाद में शादी की प्लानिंग होगी। आप सभी को मैं बुलाऊंगा और इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करेंगे। अदनान के लिए बस एक साल और इंशाल्लाह, फिर अदनान के बाद में हम लोगों का नंबर है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हो जाएगा। और पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा ट्राई कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह, बहुत धमाल एंट्री होगी। आज अदनान एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, एलविश यादव को चूड़ी गिफ्ट की है, आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हो इस पे, क्योंकि उनका कहना है काफी सारे वीडियोस उन्होंने बनाए, इसको पता ही नहीं है वो चीज के बारे में, और ना तो मुझे कोई चूड़ी देखा हो मैंने अभी तक। बट आपके बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया एलविश यादव को चूड़ी, तो आप किस तरह रिएक्ट करें, आपकी बात होने वाली है इस पे कि क्यों आपने चूड़ी गिफ्ट की है एज अ रिटर्न गिफ्ट? आपने पूरी कोशिश की है, पहले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए आपने पूरी कोशिश किया है, बट मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ना वो कोई चूड़ी देखा है और ना मुझे आपका कुछ सवाल समझ में आ रहा है। बट खैर अच्छा लगा गाइस, अदनान हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, मेरी जान आगे बढ़ और इंशाल्लाह तोड़ दे सब कुछ, सारे बैरियर्स तोड़ दे, और अदनान की पहले मूवी आएगी इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है इस बार भाई की आएगी। आपका नाम काफी आ रहा है भाई, मेरे को पिछले चार साल से आ रहा है और मैं पिछले चार साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं भी ना बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी चीज़ें अपने तक रखूँ, और मैं ट्राई करूँगा जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पब्लिकली फेस कर सकता हूँ, इतने सारे कैमराज और एक घर में रह सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस दिन मैं जाऊँ। आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था अपने फैंस को कि मैं, भाई मैं प्रॉमिस हर साल अपने फैंस लोग को करता हूँ कि मैं अगले साल ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, मैं फिर कोशिश करूँगा और जाने की पूरी कोशिश करूँगा, अंदर रह के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। देखो बता दूंगा तो कैसा है ना, टोक लग जाती है हम लोग में। देखो मैं आपको बुलाऊंगा पक्का इंशाल्लाह। अच्छा खैर चलो, वो छोड़ते हैं, खतरों के खिलाड़ी में आप एज अ गेस्ट गए हो, वापस से आपने स्टंट परफॉर्म किए, ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे अब तक का सबसे अच्छा सवाल लगा। तो गाइस मैं ये खतरों के खिलाड़ी में जो गया था इस बार एज अ चैलेंजर गया था,
जो वहाँ के कंटेस्टेंट थे मैं उन्हें एक बार सेट कर रहा था टाइम का और उन लोग उसको बीट करते थे। तो आप लोग देखना एपिसोड, भाई लोग तुम लोग भी देखना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत फन है, आप लोगों को बहुत मजा आएगी। और मैं थैंक यू कहूँगा रोहित सर को और कलर्स टीम को कि आप लोगों ने इस काबिल समझा के लास्ट कंटेस्टेंट में से मुझे बुलाया और इस काबिल समझा के मैंने वो करके भी दिखाया। कौन आपको स्ट्रांग लगा था? लास्ट क्वेश्चन, कौन स्ट्रांग लगा था? मुझे स्ट्रांग तो मैं जब गया वहाँ पे तो मैं सिर्फ जो 5 कंटेस्टेंट थे जिनका उस दिन स्टंट था उनके साथ में मैं बीट कर रहा था, तो उन लोगों का स्टंट देखा मैंने, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। और बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डीनो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। खैर मैंने उसका स्टंट भी देखा, उसने बहुत अच्छा किया। डीनो है, अरिजीत है और शिव भी है अपना भाई, उसका ध्यान थोड़ा सही नहीं है मगर उसका ध्यान सही हो जाएगा। मगर वो अच्छा है बहुत। गाइज अभी अदनान का बर्थडे है तो अदनान के बर्थडे के बारे में बात करते हैं ना। हाँ अरिजीत भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और डीनो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, बाकी मैं किसी का बोल नहीं सकता और शिव भी अपना भाई है यार, बट खैर देखते हैं। अभी अभी आगे बात करते हैं, सब जीतेगी सब। ये सबसे अच्छा जब हंसते हैं सुबह जल्दी उठने लगेगा, वैसी गाना आ गया समझो, तो दोपहर में शूट कर देगी। ये देखो हंसने ने दिया, अभी इस पे एक मीम बनेगा। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे फोटो मार लेते हैं अपन चारों। रुक जा फैसल फैसल, आप आगे जा सकते हैं। अच्छा बोलते क्या, तो लाइट लगा हम कर देते हैं। अद्दान भाई का बर्थडे है और यही बधाई देना चाहूँगा कि बस ऐसी काम करते रहे और ऐसी फोकस करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो भी कर रहा है और इसको देख के मुझे मोटिवेशन आता है बहुत ज़्यादा। अगर बात करूँ फिटनेस की तो आप लोग एक टाइम जब स्टार्टिंग जर्नी में आप लोग मतलब अगर पहचान अभी आप लोग आइडेंटिफाई नहीं होते अच्छे आप लोगों को फिटनेस के लिए? नहीं मैं फिटनेस बोलूँ तो मैं अदनान को देख के ही फिटनेस मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो टाइम पे अदनान की बॉडी बहुत अच्छी थी और ये जब हम लोग फेसबुक पे थे ये फेसबुक पे पोस्ट करता था बॉडी की बेयर बॉडी सैंडो में, तो मैं इसको देख के फिर मैं भी मतलब घर के बाजू में जिम मैं भी ज्वाइन किया और आज में से काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, में से काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर लेता है। थैंक यू सो मच, मगर तुमको ही देख के मैं सीखा हूँ। भाई ये मेरा और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, और बस कुछ नहीं बहुत टाइम से साथ है, एक डेकेड हो गए अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 साल के आसपास होने वाले तो हम लोग की दोस्ती को, और हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किए थे आज भी इस मुकाम पे है, तो हर हाल को हर मोमेंट को हम लोग जीते और हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं अल्लाह का, और यही दुआ करूंगा कि हम लोग की दोस्ती ऐसी ऐसी रहे, सलामत रहे और एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो। यस यस। लेकिन जब आपने मोमेंट की बात की कोई ऐसा भाई का मोमेंट याद आ रहा है जो एकदम भाई के बर्थडे को जैसा कभी मस्ती की हो? बहुत मस्ती की है, बहुत ज्यादा मस्ती की है, अभी तो कम मस्ती हो कम कर रहे मस्ती नहीं तो मस्ती तो बहुत की हम लोग। मगर अभी वो मोमेंट नहीं कर सकते, वो था ना एग फोड़ना और थोड़ा टेप बांध देना, अभी नहीं करते वैसा अभी, मगर वो सब बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छे से होता था, और भी है बहुत कुछ नहीं बता सकते। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं दुआ करूँगा कि हमेशा यही स्पीड में रहे और जो भी गोल है वो सब पूरा हो इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सर। बाल वाल अच्छे लग रहे क्या? कम हो गए बाल पहले से। एक सेकेंड शरीफ। सबसे पहले अदनान का आज विश यू हैप्पी बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? अदनान का बर्थडे है और हमारा आना बेशक ऑब्वियसली था, बिकॉज अदनान मुझे याद है जब से स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। मुझे एक बार यहाँ पर किसी कॉफ़ी शॉप में मिले थे और वहाँ पर वो वॉशरूम के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा बर्थडे है आप चलोगे क्या, और उस वक्त मैं बिज़ी था और मैं नहीं आ पाया था, बट उन्होंने हमेशा डे 1 से लेके आज तक बहुत रिस्पेक्टफुली बात की है
और जितना भी उन्हें तरक्की मिली है अल्हम्दुलिल्लाह और मिले बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुली हमेशा से रहे हैं। सो या तो उनका बर्थडे आना जरूरी था। एल्विश का गेम कैसा लग रहा है? मैंने अभी जस्ट सवाल पूछा था, एल्विश जो सिस्टम हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, आप अगर कुछ इस पर रिएक्ट करोगे, सिस्टम किस तरह से देख रहे हो आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत टाइम से बिग बॉस नहीं देख पा रहा बिकॉज मैं शिफ्टिंग में बिजी था अपने घर की। मैंने कुछ पोस्ट भी किए थे उसके बारे में। एल्विश का गेम जब से मुझे पता चला कि वो एंटर किया है, मुझे लगा कि अब मज़ा आएगा बिग बॉस में, बिकॉज पुनीत सुपरस्टार को आई गेस निकाल दिया था स्टार्ट में और मैंने वो एपिसोड देखा था, बट मुझे रीज़न थोड़ा सा वैलिड नहीं लगा बिकॉज बहुत कम आवर्स में वो निकल गए। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगे, बट उसके बाद एल्विश आया तो आई गेस वो कमी लगता है कि एल्विश पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बिग बॉस के इतिहास में आज तक वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई जीता नहीं है, एल्विश यादव पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री बनेंगे जो जीतने वाली? मुझे ऐसा लगता है जितने मैंने रियलिटी शोज़ किए हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वाइल्ड कार्ड हमेशा से ये स्टीरियोटाइप चला है कि जीतता नहीं है, बट सच में इस बार फीलिंग आ रही है कि एल्विश जीत जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली ट्वीट भी किया था कि अभिषेक या तो फिर एल्विश में से कोई जीतेगा, अब देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। बट फैसल, यू नो, अदनान ने अपने बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट में एल्विश को चूड़ियां दिए हैं। अभी रिसेंट, अभी जस्ट, सीरियसली, देखो देखो वहां पे आप देख सकते हो लाल चूड़ियां, लाल चूड़ियां। सर, ही इज लाइक, वो जिस तरह लड़कियों से लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं देखा कि वो लड़कियों से लड़ रहे हैं, बट उनका कहना है कि वो लड़कियों से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उनका पुराना रिवेंज है कुछ, उनके रोस्ट कर रहे हैं। सी, इनका जो हिस्ट्री है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बट अब अदनान भी मेरा दोस्त है, एल्विश जिनको मैं जानता नहीं हूँ, बट शायद आगे शायद दोस्ती हो जाए या पता नहीं। बट उसके अलावा अगर उन्होंने चूड़ियाँ दी है तो भाई उनका डिसीजन है, वो उनकी बॉन्डिंग होगी उनके साथ जो भी पास्ट में उनका हुआ होगा अदनान का और एल्विश का। और जितना मैंने देखा है कि अदनान जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है वो आती, एक फेज़ आता है और फिर निकल जाता है, तो आई होप कि ये नफरत से ज़्यादा मुझे लगता है शायद प्यार हो जाए तो अच्छा है दुनिया में। लास्ट क्वेश्चन फैजल, इस बार बिग बॉस 17 में क्या आप नजर आ सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, मैं अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ? आई डोंट नो, लेट्स सी, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। मुझे बस ये हवा नहीं करनी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को भी तब तक चीज़ें नहीं बताता जब तक मैं उस शूट पर नहीं चला जाता। बट भाई, आपने 3 साल पहले मुझे याद है आपने कहा था कि नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, ये साल कंफर्म है? एक हंसी दे दीजिए, हम कंफर्म समझ लेंगे। देखो, मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहा हूं, बस इतना बोल सकते हैं। शो कर रहे थे जी? हाँ, मैं शो कर रहा था, इस बार नहीं कर रहा हूँ इसीलिए तो कहा। ओके, थैंक यू। अगर अगर गलती से चला गया मैं तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी, सो प्लीज़ करना। पक्का सपोर्ट है भाई, विजुअल कर लो भाई का, फिर बिग बॉस में इंटरव्यू देंगे भाई सबको। पापा की शॉप के कपड़े पहन के आता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।